दोस्तों, इस वीडियो में हम पूछेंगे जीके का पांच बड़े ही मजेदार सवाल। सोचने के लिए मिलेगा आपको 5 सेकंड। तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए इस कमाल के वीडियो को अभी और इसी वक्त शुरू करते हैं दोस्तों, अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए। सवाल नंबर एक, लहसुन की चटनी खाने से क्या क्या फ़ायदा मिलती है? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए। दोस्तों, इसका सही आंसर है कोई प्रकार की बीमारी नहीं होता है, डांड पीठ में दर्द नहीं होता है, सर्दी जुकाम बुखार नहीं होता है, टीबी की बीमारी नहीं होती है, आंतों में कैंसर की बीमारी नहीं होती है, इसीलिए लहसुन सब्जी में डाल करके जरूर खाना चाहिए दोस्तों। सवाल नंबर दो, ज़्यादा तेल किस मौसम में नहीं खाना चाहिए? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि अच्छा जानकारी हमेशा आप तक पहुंचती रहे और कोई प्रकार की बीमारी आप तक ना पहुंचे। दोस्तों, इसका सही आंसर है गर्मियों के मौसम में नहीं खाना चाहिए ज़्यादा तेल मसाला, क्योंकि पेट में गर्मी पैदा करता है, उसके कारण बहुत प्रकार की बीमारी शरीर में उत्पन्न हो जाती है, तो हम लोग बहुत बीमार पड़ जाते हैं, तो सब पैसा बीमारी में लग जाते हैं, इसीलिए ज़्यादा तेल मसाला ना खाएं गर्मियों में। सवाल नंबर तीन, पेट दर्द करने लगे तो तुरंत क्या करना चाहिए? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई मेरे दोस्त तुरंत और जल्दी कीजिए, अच्छा जानकारी पाने के लिए। दोस्तों, इसका सही आंसर है काला नमक 1 नींबू पीना चाहिए, इससे आपको पेट दर्द कितना भी होगा तो तुरंत ठीक हो जाएगा और कोई प्रकार की बीमारी पेट में होगी वो तुरंत नष्ट हो जाएगी, इसीलिए काला नमक नींबू जरूर पिए दोस्तों। सवाल नंबर चार, लीची नहीं खाने से कौन बीमारी पकड़ लेता है शरीर में? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए दोस्तों। दोस्तों, इसका सही आंसर है किडनी की बीमारी होती है, यानी किडनी खराब हो जाता है लीची नहीं खाने के कारण, जो व्यक्ति लीची नहीं खाते हैं उनको किडनी की बीमारी पकड़ लेती है, तो इस बात पर ध्यान जरूर रखें दोस्तों कि किडनी की बीमारी बिल्कुल ना हो पाए। सवाल नंबर पाँच, पेचिस रोग क्यों होता है? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए दोस्तों, कि अच्छा जानकारी आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, इसका सही आंसर है कच्चा भोजन करने के कारण पेचिस की बीमारी होती है, जो लोग ज़्यादा खाना खाते हैं पानी कम पीते हैं उसके कारण पेचिस की बीमारी होती है। तो दोस्तों, पेचिस की बीमारी से बचना है तो केला का सब्जी भरपूर मात्रा में खाएं। थैंक यू दोस्तों।